नशे में झूमते युवा, हर ओर ड्रग्स ही ड्रग्स। यूपी के महाराजगंज कोटा पंजाब कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि महाराजगंज पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ की पुलिस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 686 करोड़ रुपए की कीमत की प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप जब्त की है। नशे की ये खेप भारत नेपाल सीमा की ठूठीबारी थाना इलाके के जमुई कलान गांव के एक गोदाम में रखी गई थी, जिसे ठूठीबारी थाना पुलिस, एसएसबी और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त की है। पुलिस के मुताबिक इन सभी दवाओं को नेपाल भेजने की तैयारी थी। बरामद प्रतिबंधित नशीली दवाओं में इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट और प्रिंटेड लेबल रैपर बरामद हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान नशे के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे खेल का सरगना गोविंद गुप्ता फरार है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। नशे की इस खेप में क्या क्या जब्त हुए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। 686 करोड़ की खेप जब्त, 25,810 इंजेक्शन, 100 ml की 18,782 सिरप, 3,13,000 कैप्सूल, 1,24,895 टैबलेट, 1,34,460 लेबल चेंज किए हुए दवाएं। महाराजगंज जिले के ड्रग इंस्पेक्टर ने इन बरामद दवाओं की कुल मार्केट वैल्यू करीब 686 करोड़ रुपए बताए हैं। इस केस का खुलासा करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनते हैं। थाना ठूठीबारी पुलिस, यहाँ के एसडीएम और जो एसएसबी की टीम है, इनकी संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जमुई में एक रमेश कुमार गुप्ता नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है। इसके मकान और गोदाम से भारी मात्रा में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग है, ये बरामद हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन हैं जो करीब 25,000 हैं, नशीले सिरप की सीटी हैं जो लगभग 2,00,000 हैं, कैप्सूल 31,00,000 के आसपास हैं, टैबलेट और इसके अलावा लेबल रैपर मिले हैं जो ये लोग खुद भी लगाते, इनकी सप्लाई करते थे। इसमें एक अभियुक्त गोविंद गुप्ता है, वो मौके से फरार हुआ है। इन प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार के तार नेपाल से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इस गिरोह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। एसएसबी के कमांडेंट की माने तो इन दवाओं की खपत कुछ लोकल दुकानों के अलावा नेपाल में भी की जाती थी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के भारतीय युवा और नेपाल के युवक नशीली दवाओं की चपेट में पूरी तरह से आ चुके हैं। ये एक जॉइंट ऑफ था लोकल पुलिस के साथ और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं इनके साथ, हमारी एसएसबी की टीम ने किया है। इसमें जो टोटल ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की जो बरामदगी हुई है, ये लगभग 686 करोड़ आता है डीआई महाराजगंज में। और इसके अतिरिक्त ये है कि जो बॉर्डर बैंक में अपने साइड जो मेडिकल स्टोर्स हैं, कुछ कंजम्पशन इसका उन्होंने होता है और बाकी जो नेपाल की जो युवा पीढ़ी है उनको नेपाल, क्योंकि बॉर्डर ओपन है, पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ स्मगल होकर जाता है और वहाँ कंजम्पशन होता है। ये एक बड़ा ऑपरेशन था जो होपफुली मुझे लगता है आने वाले समय में इससे जोड़ेगा। महाराजगंज पुलिस और एसएसबी के सामने भारत नेपाल की खुली सीमा पर इस तरह के अवैध गतिविधियों को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर ऐसे मौके पर जब बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं का कारोबार भारत और नेपाल सीमा पर तेजी से फल फूल रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाकर युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।